एवरीडे नो मेकअप लुक, वो भी बहुत ही क्विक और बहुत सिंपल से प्रोडक्ट्स के साथ कैसे होती है। कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना नो मेकअप लुक, यानी जीरो मेकअप, न्यूड मेकअप, जो भी नाम दे दें, लेकिन बेसिकली ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। तो वो किस तरह का लुक होता है मेरा एवरीडे, जो बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल सी मेकअप के प्रोडक्ट्स के साथ मैं करती हूँ, तो आज वो देखिए किस तरह से होगा। क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स में मैं पढ़ रही थी कि आप चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ अपना जीरो लुक या एवरीडे जो नो मेकअप लुक होता है वो शेयर करूँ, तो अब मैं आपके सामने अपना नो मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। आप देखिए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल धुले हुए हैं और फेस पे मेरे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मेरा फेस धुला हुआ है और उस पर मॉइस्चराइजर मैंने लगाया हुआ है ताकि स्किन जरा सॉफ्ट रहे और मेकअप को एब्जॉर्ब कर सके। तो सबसे पहले प्राइमर से शुरू करते हैं। प्राइमर की ज़रूरत वैसे ज़्यादातर उन लोगों को पड़ती है जिनकी बहुत फाइन लाइंस होती हैं या स्किन रफ होती है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे वॉल अगर सही नहीं होती है ना, तो वॉल को ज़रा प्राइमर वाइमर लगा के सही किया जाता है, फिर पेंट किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा फेस भी ऐसे ही है, हमारी ये पूरा फेस जो है वो स्किन हमारी वॉल है और उसको अब पेंट करने जा रहे हैं। तो अगर चाहें तो आप थोड़ा सा इसको बिल्कुल हल्का सा लेकर, बिल्कुल मैं ज़्यादा ये यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं वैसे ही स्किन के पोर्स का और उनका ख्याल रखती रहती हूँ। अपने हफ्ते में 5-10 मिनट स्किन पर ज़रूर लगाती हूँ, उस पर मेरी एक वीडियो भी मौजूद है बिफोर मेकअप स्किन केयर। तो ये थोड़ा सा आप लेकर और हल्का हल्का सा जहाँ आपको लगता है कि फॉर हेड के एरियाज़ में हमारी फाइन लाइन्स होती हैं, यहाँ पर होती हैं, हमारे कुछ लोगों के नेक पर होती हैं फाइन लाइन्स, तो आप हल्का सा प्राइमर आप लगा सकते हैं अपने नेक पर सब जगह इस तरह से। अच्छा, अब आ जाते हैं कंसीलर की तरफ, क्योंकि मेरा बहुत क्विक और फास्ट वाला मेकअप है एवरीडे का। तो कंसीलर जो है वो जहाँ जहाँ आपको लगता है, जैसे अंडर आई ज़रा डार्क एरिया होता है, अंडर आई सर्कल्स बने हुए होते हैं, उसको आप कंसील कर सकती हैं। और इसके अलावा आप जैसे मुझे यहाँ पर एक वेन यहाँ पर मेरी आती है यूं करके, यहाँ फिर से जाती है, वो शुरू से ही ना बचपन से वो ब्लू ब्लू एक नज़र आती है, तो मैं कभी कभी इसको कंसील करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। बहरहाल तो, और एक पिंपल का निशान ये 2-3 दिनों से मुझे यहाँ पैदा हुआ है, एक मुन्ना सा, तो ख़त्म तो हो गया, वो फौरन से मैंने इसको हैंडल कर लिया, लेकिन वो थोड़ा सा एक रेड जो होता है ना निशान, तो उसको अगर मैं लगाना चाहूँ इस तरह से तो मैं लगा सकती हूँ। अच्छा, बाय द वे कंसीलर जो है फाउंडेशन के बाद भी लगाया जा सकता है, फाउंडेशन से पहले भी लगाया जा सकता है। तो अब ये देख रहे हैं, छोटा सा मुन्ना सा मुझे निशान है, तो उसको मैं कवर कर रही हूँ कंसीलर से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि वेन आती है, आपको शायद नज़र आ रही हो ये ब्लू कलर की वेन। अच्छा, कंसीलर जो है वो हमेशा अपनी स्किन से सिर्फ एक शेड लाइटर लिया जाता है। अब अंडर आई इतनी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कंसीलर की, लेकिन अगर आप लेना चाहें, लगाना चाहें अंडर आईज़ पे, तो आप इस तरह से लगा सकती हैं कंसीलर को जो है वो टैप करके हल्का सा। तो मैं नहीं लगा रही हूँ वैसे ज़्यादा, कुछ लोगों को जो है वो फेस पर पुराने पिंपल्स के निशान होते हैं, स्कार्स होते हैं या ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, फ्रैकल्स होती हैं, तो इस तरह से आप उनको जहाँ जहाँ हैं सिर्फ वहाँ वहाँ आप टचअप कीजिएगा, पूरे फेस पर कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए जी, फटाफट कंसीलर हो गया, ये नॉर्मली मैं लगाती नहीं हूँ, ये आपको आपके साथ शेयर करने के लिए लगा रही हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद दो तरीके होते हैं फाउंडेशन लगाने के, या तो आप बीबी क्रीम लगाएं अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपको बहुत ही लाइट कवरेज चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डार्क कवरेज चाहिए तो फिर आप इस तरह का फाउंडेशन लगाइए। मैं थोड़ा सा मीडियम कवरेज के लिए मैं ये फाउंडेशन लगाती हूँ, क्योंकि 4-5 घंटे तक वो मेकअप रहता है फिर आपका आराम से, तो थोड़ा सा मैं फाउंडेशन ले लेती हूँ। और इसको बेबी क्रीम बनाने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप फाउंडेशन के अंदर थोड़ी सी अपनी लोशन मिला लीजिए या सनस्क्रीन मिला लीजिए, तो वो बेबी क्रीम बन जाती है, ज़रा डायल्यूटेड हो जाती है। मैं जल्दी जल्दी से अपना फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन लगाने के लिए आप ये इस तरह का ब्रश भी यूज़ कर सकती हैं, ये स्ट्रेट वाला, आप चाहें तो ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकती हैं फाउंडेशन के लिए, लेकिन मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है अगर मैं अपने फिंगर्स से उसे ब्लेंड करती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखाती हूँ, फिंगर्स से इस तरह से आप डॉट लगा लेंगे पहले से ही, तो आपको ज़रा आइडिया रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ फाउंडेशन लगाया है, कितना लगाया है, वरना अगर एक एक एरिया को अलग अलग से आप हैंडल करती रहेंगी ना, तो फिर ज़रा पता नहीं चलता कि हमने कहाँ कहाँ फाउंडेशन लगाया है। अच्छा, ये नेक को और स्पेशली कानों को प्लीज़ भूलते नहीं है, कान भी हमारे अपने ही होते हैं। और ये आंखों के लिड पर,
अच्छा, बहुत ज्यादा मेकअप जो है वो आपको ज्यादा एज देता है, ये याद रखिएगा कि अगर जितनी जरूरत हो मेकअप की सिर्फ उतना ही मेकअप करना चाहिए, कम से कम जितना आप कर सकती हैं। उससे ये होगा कि आपका फेस जो है वो बहुत सॉफ्ट लुक देगा, बहुत ही नेचुरल लगेगा, क्योंकि हमें जाहिर है बुरा तो नहीं नजर आना है ना, हमें हम चाहते हैं कि जो हमारी ब्यूटी है वो और एनहेंस हो। और कुछ लोग क्या होता है कि वो इतना मेकअप लगा लेते हैं कि उनकी जो एक्चुअल ब्यूटी होती है वो ही जरा पीछे चली जाती है और वो सिर्फ मेकअप मेकअप नजर आ रहा होता है। तो कोशिश करें कि मेकअप बिल्कुल हल्का हल्का सा ऐसा लगाएं कि वो ब्लेंडेड लगे और बहुत ही केकी सा ना लगे बिल्कुल। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ये छोटी सी मेरी ट्रिक है कि बहुत अच्छी तरीके से फाउंडेशन जो है ना पूरे फेस पर ब्लेंड कर जाती है और बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती है। उसके लिए मैं हल्का सा रोज वाटर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये पानी है, रोज वाटर हो तो ज्यादा बेहतर है, उसका हल्का सा स्प्रे कर लीजिएगा और उसके बाद फिर स्किन को इस तरह से टैप कर दीजिएगा। और इससे आप देखेंगे कि आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर जाएगी स्किन के अंदर। ये हो गया। और अब अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है तो फिर आपको कॉम्पैक्ट जो फेस पाउडर होता है उसकी जरूरत होती है, और उसको आप या तो अपने इस तरह के पफ के साथ लगा सकती हैं या लूज पाउडर के तौर पे ब्रश के साथ हल्का हल्का सा आप टैप कर लीजिएगा। मेरी स्किन क्योंकि कॉम्बिनेशन है, इतनी ज्यादा ड्राई भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। और आजकल वैसे भी हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा ड्राई ड्राई वेदर चल रहा है, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप फाउंडेशन के बाद हल्का सा टैप कर लीजिएगा उन एरियाज में, स्पेशली जो टी जोन होता है ये वाला, यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑयल आता है, यहाँ पर तो वहां पर आप हल्का हल्का सा अप्लाई कर लीजिएगा इस पाउडर को। अच्छा, अब इसके बाद मैं लगाऊंगी कॉन्टोरिंग करूंगी, जो कि मेरा बहुत फेवरेट पार्ट होता है। और अच्छा, कॉन्टोरिंग का मैं आपको एक चीज बताऊं, कॉन्टोरिंग की जरूरत हर किसी को नहीं होती है। प्लीज, हम सुनते हैं प्राइमर, कंसीलर, कॉन्टोरिंग, ये सबको इनकी जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों को जरूरत होती है, कुछ को नहीं होती है। कोशिश ये करनी चाहिए जिसको जरूरत है हमें, हम सिर्फ वो चीजें यूज करें। तो कॉन्टोरिंग के लिए ये बहुत अच्छा, बाय द वे जो भी मैं चीजें यूज कर रही हूँ उन सबके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ताकि आपको ये शिकायत ना हो कि गजल आप जो प्रोडक्ट्स यूज करती हैं हमारे साथ शेयर नहीं करती, तो मैंने शेयर कर ली है, आज देख लीजिएगा। और ये मेरी किट जो है कॉन्टोरिंग की, इसमें ब्लशर भी है, कॉन्टोरिंग का शेड भी है और हाईलाइटर भी है, मुझे बहुत पसंद है ये। और इसको जो है वो इस तरह का ब्रश मैं ले रही हूँ जिससे मैं कॉन्टोरिंग करूंगी अपनी, और बिल्कुल हल्की सी कॉन्टोरिंग का मकसद ये होता है, देखिए मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझाऊं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको फिर कॉन्टोरिंग करते वक्त। ब्राउन कलर जो है वो हमेशा डिप्रेशन क्रिएट करता है, यानी कि अब देखेंगे जो नीचे की तरफ हमारे एरियाज हैं वो जरा डार्कर शेडो आता है उसमें, ये जो शेडो होता है ये क्रिएट करता है अंदर की तरफ चीज चली जाती है, यानी कि जैसे नाक है, अगर मैं अपने नाक को यहाँ से कंटूरिंग करूँ तो यहाँ ब्राउन शेड लगाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैंने नाक को, अगर मेरी नाक जरा मोटी है तो मैं उसको जरा स्लिम लुक अगर देना चाहूँ तो इस तरह से, अब देखिए आप जब पकड़ते हैं अपने नाक को तो आप यूं दबाते हैं, इसका मतलब कि ये वाला एरिया अंदर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम कॉन्टोरिंग करते हैं तो इस वाले एरिया को हम जरा अंदर की तरफ डिप्रेशन देते हैं, ताकि एक इल्यूजन देते हैं ब्राउन शेड से, ताकि ये वाला शेड जो है, फिर यहाँ पे लाइटर शेड लगाया जाता है ताकि ये जरा प्रोमिनेंट लगे कि ये वाली आपकी जो ब्रिज है नाक की वो प्रोमिनेंट है पतली, और ये वाले एरिया को आपने अंदर की तरफ कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से चीक्स को जरा ब्राइटर और प्रोमिनेंट करने के लिए जो एप्पल्स होते हैं, तो यहां पर जब आप ब्राउन शेड लगाएंगे तो ये लगेगा कि ये अंदर की तरफ है और ये वाली चीज उभर के सामने आती है, ये पोर्शन। तो मकसद कॉन्टोरिंग का ये होता है। इसी तरह से जिनकी डबल चिन होती है वो यहाँ पर ब्राउन शेड लगाते हैं ताकि वो अंदर की तरफ लगे। ब्राउन कलर का शेड जो कॉन्टोरिंग का लिए यूज होता है वो ऐसा इल्यूजन देता है कि एज इफ आपका वो पोर्शन अंदर की तरफ है, ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। इसी तरह से फेस को कट्स दिए जाते हैं, अगर किसी का फोरहेड बहुत बड़ा है तो हल्का हल्का यहाँ पर लगाएं, या फेस बहुत चौड़ा है तो हम हल्का हल्का सा साइड्स पर लगाएं यहाँ पर, ताकि वो ओवल शेप का इल्यूजन दे। बेसिकली कॉन्टोरिंग का मतलब ये होता है। तो जिसकी नाक ऑलरेडी स्लिम है या आप अपनी फीचर से वैसे ही
खुश हैं तो कंटूरिंग की कोई जरूरत नहीं है. तो लेकिन मैं दिखाती हूँ कि कंटूरिंग मैं किस तरह से करती हूँ. ये वाला ब्रश है ना, तो हल्का सा मैंने ये ब्राउन शेड ले लिया. और बाय द वे बहुत डार्क कंटूरिंग नहीं होती है, वरना वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है, बिल्कुल लगता है कि लाइनें खींची हुई हैं. तो लाइटर जरा शेड होता है ब्राउन का. अब आप देख रहे हैं कि मैंने हल्का सा यहाँ पर डार्कर शेड दिया है इस हिस्से को यूं अंदर इल्यूजन देने के लिए. अपना ये जो चीक बोन्स यहाँ पर हैं उनको मैं यहाँ इल्यूजन दूंगी कि थोड़ा सा ये डार्कर लगे, ताकि ये वाला पोर्शन मेरा और ब्राइटर लगे. और मैंने बहुत डार्क शेड नहीं यूज किया है, ये आप देख रहे हैं. सिर्फ इसको चीक्स को हाईलाइट करने के लिए इस वाले एरिया को मैं जरा कंट्रोल कर रही हूँ. मुझे इतना ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर डबल चिन है तो यहाँ से आप अपनी स्किन, अच्छा प्लीज जो भी हम यहाँ से लगाते हैं लाइन देते हैं उनको ब्लेंड जरूर कर दिया करें, थोड़ा सा नीचे की तरफ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, हल्का सा, ताकि ये ब्लेंडेड लगे, एक लाइन ना खींची हुई लगे. तो इस तरह से. और अगर फॉरहेड जो है वो जिनका बहुत बड़ा फॉरहेड होता है तो वो हल्का सा यहाँ पर फॉरहेड पर आप दे दें उसको इल्यूजन, तो जरा डार्कर लगेगा. अगर आपका फेस बहुत चौड़ा है तो आप हल्की सी यहाँ पर हल्की सी एक लाइन ये इस तरह से और उसको ब्लेंड कर दें, इस तरह से एक लाइन देकर और उसको ब्लेंड कर दें इस तरह से, तो वो फेस आपका जरा स्लिम लगेगा. और अब इसके बाद जो है वो सिंपली ब्लशर का टाइम आता है, और इसमें ब्लशर भी मौजूद है. ब्लशर के लिए मैं ब्लशर लगाने का ब्रश ले रही हूँ, और इससे मैं सिर्फ अपने जिस एप्पल्स हैं मिरर ले लूँगी, ये जो चीक के एप्पल्स हैं इनको मैं प्रोमिनेंट करूंगी. अब आप देखेंगे कि जब मैंने यहाँ से थोड़ा सा कंटूरिंग की है तो ये एरिया प्रोमिनेंट हो गया है. हल्का सा मैं लगा रही हूँ और नोज पर हल्का सा एक फ्रेश लुक देने के लिए. तभी डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो आप ले सकती हैं. मैं ये जो आई शेडो यूज़ कर रही हूँ कवर गर्ल का, मैं इसका लिंक शेयर कर लूँगी. और कोई सा भी ब्रश आप लेकर, पतला सा इस तरह का आई शेडो का ब्रश, और सिर्फ यहाँ से क्रीज एक बना रही हूँ मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक. तो इस तरह से थोड़े से डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो के साथ आपको इस तरह से डायमेंशन देना है आंख को, एक क्रीज बनानी है, एक शेप क्रिएट करना है. इसके बीच में मैं थोड़ा सा लाइटर शेड लगा रही हूँ, ये कॉफी पिंक टाइप का शेड है और बहुत प्यारा शेड मुझे लगता है, बहुत एक न्यू न्यूड सा मेकअप लगता है, बहुत अच्छा लगता है. और ये वाला एरिया जो है आपका ये थोड़ा सा हाईलाइटेड होता है और आंख जो आपकी बड़ी बड़ी लगती है. इसके अलावा आप चाहें तो पीच कलर का कोई ऐसा लाइट ब्राउन शेड हो वो भी आप फिल कर सकती हैं इसमें. और डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो की हल्की सी आंख के नीचे एक लाइन लगा लीजिएगा ताकि वो ब्लेंडेड लगे. और अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ. आईलाइनर बहुत ही शार्प, मैंने डार्क ब्लैक कलर की एक लाइन नहीं खींची है, मैंने थोड़ा सा ब्लेंडेड लगाया है इसे. और अगर आप चाहें तो कोई आई पेंसिल लगा सकती हैं उसे, फिर आई शेडो के ब्रश की हेल्प से आप उसको ब्लेंड कर सकती हैं, तो वो एक बहुत ही सटल सा, एक बहुत नेचुरल सा लुक आता है. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आईब्रोज, आईब्रोज को जरूर बनाया करें, उससे आपकी आंख का शेप ज्यादा अच्छा लगेगा. आईब्रोज के लिए मैंने एक डार्क ब्राउन कलर की आई पेंसिल ले ली है, उससे मैं फिल कर रही हूँ. आप चाहे तो डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो से भी फिल कर सकते हैं, उसको फिर ब्रश की मदद से जरा शेप दे दीजिएगा. और इस वक्त मैं मस्कारा लगा रही हूँ. मस्कारा बहुत ज्यादा मैं थिक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही नो मेकअप लुक है. नो मेकअप लुक का मतलब ये होता है कि मेकअप बिल्कुल ऑब्वियस ना लगे. लिपस्टिक में मैं बहुत ही न्यूड और लाइट सा शेड लगा रही हूँ. और अगर आपके पास कोई लाइट शेड ना हो तो आप अपने लिप्स पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लीजिएगा, उसके बाद कोई भी शेड लगाएंगी तो वो बहुत ही नेचुरल लगेगा. जरूरी नहीं कि जो मेकअप मैं लगा रही हूँ आप वही लगाएं, ये सिर्फ एक तरीका आपके साथ मैंने शेयर किया है. आंखों की हमारी अपर वाटर लाइन होती है ये, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का मैं पेंसिल जरूर लगाती हूँ, उसे बहुत अच्छी लगती है आंखें. इसके लिए आप ब्लैक पेंसिल भी लगा सकती हैं और अपना कोई काजल भी लगा सकती हैं. अगर आप चाहें हल्का सा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं है आपका हाइलाइटर, तो आप हल्का सा हाइलाइटर लेकर और इसको चीक्स के इस तरफ हल्का सा आप लगाएं और इसे आईब्रोज से थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए ज़रा आईब्रोज आपके लिफ्टेड लगेंगे. अच्छा, और आखिर में जो है वो लिपस्टिक के दूसरी तरफ एक लिप बाम की तरह से है जो इस लिपस्टिक को सिक्योर करता है, तो वो मैं लगा रही हूँ. सॉफ्ट सा लुक देता है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है, समझिए एक लिप बाम की तरह से है. तो
अब ये लिपस्टिक जो है वो कई घंटों तक रहती है, वरना अदरवाइज अगर मैं कोई आम सी लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं फौरन से खा जाती हूँ उसको। तो ये हो गया मेरा जीरो लुक मेकअप। अब आपने देखा हल्की सी कंटूरिंग है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है हर चीज, बहुत ब्लेंडेड है। तो ये अगर आप कहीं भी जा सकती हैं आराम से किसी भी काम के लिए, आपको बिल्कुल ही ऑकवर्ड नहीं लगेगा बहुत ज्यादा मेकअप करके निकलना, जो बहुत सॉफ्ट लुक देता है, आप हर जगह से कैरी कर सकते हैं और बहुत ही नेचुरल लगता है, स्पेशली डे लाइट में, क्योंकि बाहर लाइट बहुत ज़्यादा होती है डे में, तो बहुत ज़्यादा मेकअप जो है वो बहुत आर्टिफिशियल और फेक सा लुक देता है। और स्पेशली गर्मियाँ जब होती हैं तो गर्मियों में तो वैसे ही ज़रा लाइटर लाइटर सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा मेकअप अच्छा लगता है। तो अब मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको ये मेरा जीरो मेकअप या नो मेकअप लुक कैसा लगा। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का, और साथ ही मुझे गजल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नजर आ रहा है वैसे भी क्लिक कर सकते हैं। और मेरी ये बॉक्स में जो इस वक्त आपको वीडियो नजर आ रही है, अब आप इसे क्लिक कीजिए और इसे देखिए, आपको अच्छी लगेगी।